बड़ी उम्मीद थी खेती और बाड़ी, खेती में भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश में तीन काले कानून लाने का काम किया। वो धन्यवाद दीजिए तमाम हमारे किसान यूनियन के लीडर्स को, जिन्होंने दिल्ली के सीमा बॉर्डर पर अनशनरत रह के लगातार 11 महीनों तक आंदोलन किया। और आंदोलन करने के बाद मैं कह सकता हूँ 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, तब जाके भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि हमने देश के किसानों के साथ गलत किया और हम देश के किसानों से माफी मांगते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, आज हमारे किसान की कितनी महंगाई हो गई। पहले यूरिया की बोरी कितने किलो की आती थी और फिर 50 से कितनी हुई और 45 से अब कितनी हो गई, और पहले गैस का सिलेंडर कितने का आता था और अब कितने का हो गया, 1100। यही वो कटत है जिस कटत को 5 किलो राशन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग राशन देने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, और बड़े गर्व से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं इस देश की हम 80 करोड़ आवाम को राशन देने का काम करते हैं। ये कभी नहीं कहते कि इस देश की 80 करोड़ जो बच्चे हैं, जो 80 करोड़ आवाम है उसके बच्चे हैं, उन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का हम काम करते हैं। ये कभी नहीं कह सकते इस देश के 80 करोड़ जो किसान हैं, उन किसानों ने जो अपनी खेती और खेती के लिए जो कर्जा ले रखा है और कर्जे में आज हमारे किसान आत्महत्या करने जा रहा है, ये कभी नहीं कह सकते हम किसानों को जो कर्ज है उसको माफ करने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, डॉक्टर नवल किशोर साहब के पेशे से कैंसर सर्जन है, आखिर कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी कि वो यहाँ पर आपके बीच में प्रत्याशी बन के आया। मैं कहना चाहूंगा जिनके आशीर्वाद से डॉक्टर नवल किशोर यहाँ पहुंचा है, मैं पहुंचा हूँ बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के आशीर्वाद से, मैं पहुंचा हूँ श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार के आशीर्वाद के वास्ते। और बताना चाहता हूँ कि हम भी चाहते हैं कि जो किसान का भविष्य को बर्बाद कर दिया और हमारे नौजवान का भविष्य भी भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया, अगर हमने और आपने अगर इस समय सही निर्णय नहीं लिया तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इन बच्चों का भविष्य भी भारतीय जनता पार्टी बर्बाद करने का काम करेगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि 2024 का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और ये लोकतंत्र का पर्व है। होली की खुशियां तो हमारी हर साल त्योहार आते हैं, लेकिन ये चुनाव का जो त्योहार है और खासकर लोकसभा का चुनाव का त्योहार, ये चुनाव देश के लिए होता है। और इस चुनाव में अगर हमने सही निर्णय नहीं ले पाया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हम 5 साल परेशान और बर्बादी का रास्ता तय करने का काम करेंगे। और इसी चुनाव में अगर हमने सही निर्णय ले लिया, मेरी माताएं और बहनें जो धूप में डॉक्टर नवल किशोर को सुनने के लिए बैठी हैं, मैं दावे से कह सकता हूं इन माताओं और बहनों ने अगर साइकिल बटन दबा दिया तो दावे से कह सकता हूं 5 साल आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने का काम करेगा। और सही निर्णय दे दिया तो 5 साल हमारे किसानों की आमदनी भी 2 गुनी 4 गुनी करने का काम करेगा। इसलिए हम कह देना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के कारण हम और आप आगे बढ़ने का काम किए। पहले तो हमें लगता था जब हम MBBS कर रहे थे, मुझे लगता था कि 10 घंटे के बजाय हम 12 घंटे पढ़ लेंगे, MS की परीक्षा में टॉप कर लेंगे। हमने तो टॉप कर लिया और टॉप करने के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से मैं सर्जन बन गया। लेकिन हकीकत में जब जिंदगी में मैं आया तो मैंने देखा और पाया कि मेरी अपनी ये ताकत नहीं थी, ये ताकत थी बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, जिस संविधान के चलते हम यहाँ तक पहुंचे।
इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वही संविधान आज खतरे में है। इस देश के संविधान को बचा लेना, और ये संविधान अगर नहीं बचा, वैसे भी जो संविधान में हक और अधिकार मिले थे लगातार 75 सालों में, धीरे धीरे जो भी सरकारें आई उन सारी सरकारों ने उस संविधान में अमेंडमेंट करके हमारे और आपके हक और अधिकारों को खत्म करने का काम किया। एक अधिकार बच गया है अभी, और वो अधिकार है हमारे वोट देने का अधिकार। सोचो 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई तो इस देश में चुनाव होना बंद हो जाएंगे, और जब चुनाव होना बंद हो जाएंगे तो हम और आपके लिए जो संघर्ष किया हमारे महापुरुषों ने, फिर से उसी दौर में पहुंच जाएंगे। इसलिए हम कह देना चाह रहे हैं और पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर नवल किशोर को आशीर्वाद इस बार देने का मन बनाया है नहीं बनाया? सारे लोगों ने दमदारी से नहीं हाथ उठाई, दोबारा से दमदारी से हाथ उठा गया। माता और बहने क्या कह रही है, धूप में बैठी, आशीर्वाद मिलेगा तो हाथ उठा के बता दो। मुझे वैसे ही मालूम है कि धूप में बैठी हमारी माताएं और बहने जब डॉक्टर नवल किशोर को सुनने आई है तो वो आशीर्वाद देने के मन बना के यही होंगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं, तो हमारी भी घोषणा है और हमारी घोषणा है कि जिस शिक्षा के दम पर डॉक्टर नवल किशोर पहले डॉक्टर बना और आज एक प्रत्याशी से आगे संसद में पहुंचने वाला है, तो मेरी भी घोषणा है कि जिस दिन डॉक्टर नवल किशोर संसद में पहुंचेगा, तमाम गरीब बच्चे जो बच्चों के माँ बाप उनको पढ़ाने में असमर्थ है, या वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, डॉक्टर नवल किशोर ने घोषणा कर रखी है कि तमाम ऐसे बच्चों को डॉक्टर नवल किशोर जो मुझे सैलरी मिलेगी, जो वेतन मान मिलेगा, उस वेतन मान से सभी बच्चों को पढ़ाने का काम करूंगा, और जरूरत अगर मुझे पड़े इन बच्चों को देश और विदेश में भेजने की तो डॉक्टर नवल किशोर बच्चों को देश और विदेश भेजकर उनको पढ़ाने का काम करेगा। इसलिए हम इस बार कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, जहां हम आपके बच्चों की शिक्षा तो देने का काम करेंगे, लेकिन शिक्षा के साथ सोचो डॉक्टर नवल किशोर जब दिल्ली की संसद में पहुंचेगा, मैं वादा कर रहा हूं इन बच्चों की शिक्षा के साथ में फर्रुखाबाद के लोगों का मान और सम्मान उस लोकसभा के पूरे भारत करेंगे। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में अनुरोध करते हैं कि इस बार 2024 में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और जिस दिन वोट डालने जाना उस दिन अपने बच्चों का मुंह देख के जरूर जाना, और जब बच्चों का मुंह देखोगे तो उन बच्चों के चेहरे में डॉक्टर नवल किशोर साहब और आदरणीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन दिखाई देगा। इसलिए इस बार साइकिल का बटन दबा देना और डॉक्टर नवल किशोर को भारी से भारी मतों से जिता देना, यही अपने आप लोगों के बीच में डॉक्टर नवल किशोर करने आया है। बोलिए लोकतंत्र के साचे दरबार की। माननीय अखिलेश समाजवादी पार्टी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।